नमस्कार दोस्तों, आदि एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में शनि और केतु अगर एक साथ किसी घर में उपस्थित रहता है तो कैसा फल देता है इसके बारे में जानकारी दूंगा, तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों अगर आपके कुंडली में भी शनि केतु एक साथ मौजूद है, मैं जो भी बता रहा हूँ वैसा ही 100% होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक जनरल डिस्कशन है। बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं इसमें सटीक परिणाम जानने के लिए। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। दोस्तों शनि ग्रह जो होता है ये हर कार्य को बहुत डिले करने में एक माहिर प्लेनेट होता है। इसका कारण भी है क्योंकि शनि सूर्य से सबसे दूर में है और सूर्य को प्रदक्षिण करने में शनि ग्रह का सबसे ज्यादा समय लगता है, तो शनि ग्रह एक घर से दूसरे घर में जाने में बहुत समय लगाते हैं, लगभग 2.5 साल का समय लगाते हैं। लेकिन शनि न्याय का प्रतीक होता है, शनिदेव को लॉ ऑफ जस्टिस कहा जाता है। इधर केतु एक पाप ग्रह है, ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह को एक पाप ग्रह का दर्जा दिया गया है क्योंकि शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है पहले परीक्षा लेते हैं, बहुत पिटाई करते हैं, बहुत सजा देते हैं, उसके बाद अगर वो जातक उस पिटाई उस सजा को भुगत लेता है, उसके बाद भी अगर वो सच्चे रास्ते पे रहता है तो शनि ग्रह जातक के ऊपर इतनी कृपा करती है कि जातक का पूरा जीवन ही बदल जाता है। इधर केतु, केतु मींस इंफ्रारेड रे ऑफ सन, छाया ग्रह बोला गया है या फिर ड्रैगन स्टेल, माइथोलॉजिकली ड्रैगन स्टेल बोला गया है। शनि के साथ केतु रहने पे हर कार्य में विलंब होता है। शनि के साथ केतु रहने पे इंसान के मन में आध्यात्मिकता के प्रति एक झुकाव रहता है। इंसान महादेव के बहुत बड़े भक्त होते हैं। मैं अपने व्यक्तिगत अभिज्ञता में देखा कि शनि केतु एक साथ रहने पे अगर मैं पूछता हूं कि तुम्हारा पसंदीदा देव भगवान कौन है, 99% मेरे क्लाइंट्स जवाब देते हैं कि महादेव है या फिर महाकाल है। शनि केतु एक साथ रहने पे ये लोग थोड़े अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, फैमिली के प्रति ध्यान थोड़ा कम रहता है, बाहर अगर कोई तकलीफ में है, कोई अगर बड़ी मुसीबत में है तो ऐसे जातक उन लोगों को बचाने के लिए अपने परिवार का पैसा भी उनको दे देते हैं। शनि और केतु, केतु मोक्ष को भी दर्शाता है। शनि केतु एक साथ रहने पे कुछ कुछ पर्टिकुलर घर में डिग्री नक्षत्र सब कुछ देखा जाता है। मैं जैसा बोल रहा हूं ऐसा ही होगा ऐसा बिल्कुल ही मत सोचिए। शनि केतु एक साथ रहने पे जातक के अंदर संन्यास लेने का एक प्रवृत्ति आती है, वो चाहता है कि मैं घर संसार छोड़ के दूर कहीं पहाड़ पे चला जाऊं और एकांत जीवन व्यतीत करूं। शनि केतु एक साथ रहने पे भी जातक कभी कभी इतने निपुणता से झूठ बोलता है कि दूसरा जो अगला बंदा है वो पकड़ भी नहीं पाता है कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। हो सकता है कि वो जो झूठ बोल रहा है वो किसी के भलाई के लिए ही हो। ये युति अगर किसी के कुंडली में रहता है वो ईश्वर के प्रति लगाव तो उसका होता है लेकिन ईश्वर के पूजा में ज्यादा आडंबर वो पसंद नहीं करते हैं, दान ध्यान में ज्यादा रुचि रखते हैं। तो शनि और केतु के युति के बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दिया। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे किसी रोचक एवं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।